शहीद दिवस के मौके पर हम देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को याद करते हैं, साथ ही इस मौके पर हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। हम हर साल अलग अलग दिन पर शहीद दिवस मनाते हैं, इन्हीं में से एक दिन 30 जनवरी भी है, यानी कि आज का दिन। आज ही के दिन इस तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हर साल हम इस मौके पर महात्मा गांधी के साथ साथ देश के लिए अपना बलिदान देने वाले अन्य शहीदों को भी याद करते हैं। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? शहीद दिवस के रूप में यह तारीख सबसे खास है। इस दिन वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही हम हर साल यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करते हैं। इस मौके पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाता है। कैसे मनाया जाता है शहीद दिवस? हर साल इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही सेना के जवान इस मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में अपने हथियारों को नीचे झुकाते हैं। इस मौके पर पूरे देश में महात्मा गांधी समेत अन्य शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। इस दौरान विशेष तौर पर सभी धर्म के लोग प्रार्थना का भी आयोजन करवाते हैं। साथ ही आपको उस वक्त की कहानी भी बताते हैं कि आखिरकार गोडसे ने बापू को क्यों मारा था और मारने के बाद गोडसे के साथ आखिरकार क्या हुआ था। गोडसे ने की थी बापू की हत्या। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बापू का सीना उस वक्त छलनी कर दिया था जब वे दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठ रहे थे। गोडसे ने बापू के साथ खड़ी महिला को हटाया और अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनका कोर्ट में ट्रायल चला और आखिरकार उनको फांसी की सजा सुना दी गई। गोडसे ने क्यों की थी बापू की हत्या? दरअसल नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें वह चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए बापू ने उपवास भी रखा था। इसी बात से नाराज होकर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें punjabkesari.com के साथ। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यश खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।